गुड मॉर्निंग। तो आज के नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग नोड वोल्टेज थ्योरम के नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे कि अगर कोई एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से, जहां पे दो वोल्टेज सोर्स हैं और पांच रेजिस्टेंसेज हैं R1, R2, R3, R4, R5 और दो वोल्टेज सोर्स V1, V2 हैं और वो कुछ पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट हैं, तो उनकी एनालिसिस नोड वोल्टेज थ्योरम से कैसे करेंगे उसको समझेंगे। ठीक, नोड वोल्टेज थ्योरम से तो पहला स्टेप हमने बताया था, सर्किट के बेस लाइन को ग्राउंड कर देना। तो ग्राउंड करते हैं, देखिए जो नीचे बना हुआ है सर्किट का बेस लाइन किसको कहते हैं, जो सबसे नीचे है। ठीक, जिस जो ई एफ जी एच पॉइंट से कनेक्टेड बेस लाइन हुआ है, जो ई एफ जी एच पॉइंट से उस बेस लाइन में देखें एफ और जी के बीच में ग्राउंड किया गया है, ग्राउंड का सिंबल है वो। तो ग्राउंड करने से होता है क्या, जो बेस लाइन का जो पोटेंशियल होता है वो हर एक पॉइंट पे जीरो हो जाता है, ये आपको बताया जा चुका है। ठीक, तो ये हो गया स्टेप वन। फिर स्टेप टू में क्या करना है, हमको अननोन पोटेंशियल जंक्शन ढूंढना, आइडेंटिफाई करना, उस पर कुछ पोटेंशियल भी अज्यूम कर लेना है। तो देखिए पहले जंक्शन कितने बन रहे हैं, तो जंक्शन को आइडेंटिफाई करना है और उस अननोन पोटेंशियल जंक्शन पे कुछ पोटेंशियल अज्यूम करना है। तो जंक्शन बी और सी है और नीचे वाला है आपका ई एफ जी एच वाला, तो ई एफ जी एच पे पोटेंशियल क्लियर हो गया, ग्राउंड करने से ये जीरो है। तो अननोन बचे कौन कौन से, बी और सी, तो बी और सी बचे, तो बी भी पोटेंशियल मान लिया, बी भी और सी भी पोटेंशियल मान लिया, बी सी। क्लियर यहाँ तक स्टेप आप लोगों को। नेक्स्ट स्टेप तो ये बताया गया था कि एज्यूम करंट इन ईच रजिस्टर ब्रांच वाइज, हर एक रजिस्टर में करंट क्या कर लेंगे, ब्रांच वाइज मान लेंगे इन एनी डायरेक्शन। तो जितने रजिस्टर हैं, तो देखिए टोटल पांच रजिस्टर हैं और पांचों रजिस्टर अलग अलग पॉइंट के बीच में कनेक्ट होते हैं। जब अलग अलग पॉइंट के बीच में कनेक्ट होंगे तो अलग अलग करंट एज्यूम करेंगे, तीन पॉइंट के बीच में कनेक्ट करेंगे तो एक ही करंट एज्यूम करेंगे। तो पहला देखिए, पहला जो रजिस्टर R1 है वो कनेक्ट है किसके बीच में, ये बेसिक बताया जा रहा है किसी भी न्यूमेरिकल के लिए। अगर आप ये समझ गए तो यानी कि आप कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए नोड वोल्टेज थ्योरम से एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो बेसिक बताया जा रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। तो पहला जो रजिस्टर है वो क्या है, R1 है, जो ए वी पॉइंट के बीच में कनेक्ट है। ए वी पॉइंट के बीच में कनेक्ट है यानी कि उसको क्या लिखेंगे, उसमें माना होगा करंट, ए बी पॉइंट के बीच में माना होगा करंट जो हमने जूम किया वो I1 मान लिया है, उसका डायरेक्शन क्या लिया, A to B लिया। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है उसमें जो रजिस्टर माना हो दिया हुआ वो क्या है, R2 है, और उसमें हमने करंट क्या मान रखा है, I2, उसका डायरेक्शन क्या ले रखा है, B to G। नेक्स्ट बी टू सी पॉइंट के बीच में जो रजिस्टर कनेक्ट हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, R3, और उस पॉइंट के बीच में जो करंट हमने अज्यूम कर रखा है उसकी वैल्यू क्या है, I3। जो करंट अज्यूम कर रखा है उसकी वैल्यू क्या है, I3। नेक्स्ट जो रजिस्टर है बीसी पॉइंट के बीच में वो R3, इसमें जो करंट जूम कर करेंगे वो क्या है, I3, उसका डायरेक्शन क्या ले रखा है, B to C। इसी तरीके से नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो R4 है, जो C और F पॉइंट के बीच में कनेक्ट है जिसकी वैल्यू R4 है,
उसमें करंट अजम कर रखा है हमने आई फोर, उसका डायरेक्शन क्या ले रखा है सी टू एफ। इसी तरीके से नेक्स्ट जो रजिस्टर है वो है आई फाइव, जो सी डी पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, इसमें करंट अजम कर रखा है हमने आई फाइव, ठीक, जिसका डायरेक्शन सी टू डी है। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप मतलब ये स्टेप नंबर कौन सा हो गया, उनके बात कर ले रहे हैं। ये नेक्स्ट स्टेप मतलब करंट अजम करना चाहता है, थर्ड स्टेप हो गया, किसी भी डायरेक्शन में हम अजम कर सकते हैं। जैसे हमने आर वन में आई वन माना है, ए टू बी, तो अब बी टू ए भी मान सकते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करें, अब आगे हमको बात करना है क्या, अननोन पोटेंशियल जंक्शन पे क्या करना है, केसीएल अप्लाई करना है। तो देखें, तो केसीएल हम लोग अप्लाई करेंगे अननोन पोटेंशियल जंक्शन पे, तो अननोन पोटेंशियल जंक्शन कौन कौन सा है, ए है, अननोन पोटेंशियल कौन सा, बी है और सी है। तो पहले बी पे लगाएंगे फिर सी पे लगाएंगे, तो लिखेंगे अप्लाई केसीएल जंक्शन बी। जब केसीएल लगाएंगे जंक्शन बी पे तो क्या चाहिए, जंक्शन बी पे केसीएल लगाएंगे तो हमारा क्या जाएगा, केसीएल में क्या देखते हैं, इनकमिंग समेशन ऑफ आई, इनकमिंग इक्वल टू समेशन ऑफ आई आउटगोइंग। तो इनकमिंग करंट मतलब बी पे इनकमिंग कौन कौन सा, आई वन है, आउटगोइंग कौन कौन सा, आई टू है और आई थ्री है। तो यहाँ पे आई वन इज इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री इक्वेशन बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, अप्लाई केसीएल के बाद एक्सप्रेस ऑल करंट इन नोडल फॉर्म, अब सारे करंट को नोडल फॉर्म में लिखना है। तो I1 को नोडल फॉर्म लिखना है, I2 को नोडल फॉर्म लिखना है और I3 को नोडल फॉर्म लिखना है। तो I1 को देखें, A से B दिखाया गया, लेकिन हम I1 को वहाँ से कंसीडर करेंगे जहाँ पे हमको पोटेंशियल की नोन है, ठीक, जहाँ पे नोन हो या तो जहाँ पे आपने अज्यूम कर रखा है। तो यहाँ पे देखें, A पे पोटेंशियल अज्यूम नहीं है तो नीचे तक आएंगे, यानी कि H पे पोटेंशियल आपको नोन है, H पे पोटेंशियल कितना है आपका, जीरो है। एच पॉइंट पे पोटेंशियल आपका नोन है, तो एच पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो अब हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि एच टू बी फ्लो हो रहा है, तो एच पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो, बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, वी भी। अब आपका ये केस नंबर कौन सा जा रहा है, ये केस नंबर टू जो यहाँ पे बताया गया था कि दो पोटेंशियल के बीच में, दो पॉइंट के बीच में क्या आ जाए, रजिस्टर भी आ जाए, वोल्टेज सोर्स आ जाए, तो वो अलग केस है। तो यानी कि एच एक पॉइंट हो गया, बी दूसरा पॉइंट हो गया, एच पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है, बी पॉइंट का पोटेंशियल वी भी है, तो क्या लिखेंगे, जीरो माइनस वी भी। अब बीच में वोल्टेज सोर्स पड़ेगा, तो हमने क्या बताया था, तो करंट का फ्लो क्या है, एच टू बी है, तो वोल्टेज सोर्स आ जाएगा या बैटरी आ जाएगा, तो हमने बताया था सेकेंड प्लेट का साइन, सेकेंड प्लेट का साइन क्या आ जाएगा, प्लस वी वन। तो यानी कि आई वन का जो नोडल फॉर्म का एक्सप्रेशन होगा वो क्या जाएगा, जीरो माइनस वी वी प्लस वी वन डिवाइडेड बाई उस पाथ का रेजिस्टेंस, तो पाथ का रेजिस्टेंस क्या है, आर वन। तो आई वन का नोडल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से आई टू का नोडल फॉर्म क्या लिखेंगे, करंट का फ्लो हमने बताया आपको वहाँ से कंसिडर करना है, जो करंट जिस पॉइंट पर पोटेंशियल आपने अज्यूम कर रखा है या जिस पॉइंट पर पोटेंशियल आपका पता है। तो आपको बी पे पोटेंशियल अज्यूम कर रखा है, पता कहाँ तक है, जी पे। तो बी क्या लिखेंगे, करंट का फ्लो बी टू जी है, यानी कि बी वाला हाइयर जी वाला लो, तो लिखेंगे वी बी माइनस जीरो डिवाइडेड बाई उस पाथ कंडीशन, तो पाथ कंडीशन के आर टू। इसी तरीके आर टू को भी, आई टू को भी अपने नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट अब आई थ्री को नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो आई थ्री को नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या जाएगा, आई थ्री कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, बी टू सी, तो बी पे भी आपका पोटेंशियल अज्यूम कर रखा है वी वी, और सी पे भी पोटेंशियल अज्यूम कर रखा है वी सी, तो करंट का फ्लो क्या जाएगा, बी से सी के रिस्पेक्ट बी वाला पोटेंशियल वी वी, वी सी के रिस्पेक्ट में हाइयर होगा, तो क्या लिखेंगे, वी वी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस, तो ट्वेल्व पाथ का रेजिस्टेंस आर थ्री, ठीक। इस तरीके से आई थ्री का, आई थ्री का भी नॉर्मल फॉर्म आपने एक्सप्रेस कर दिया, तो क्या जाएगा पूरा इक्वेशन, जीरो आई वन का नोडल फॉर्म जीरो माइनस वी वन, जीरो माइनस वी प्लस वी वन डिवाइडेड बाई आर वन इज इक्वल टू आई टू का नोडल फॉर्म वी वी माइनस जीरो बाई आर टू प्लस
आईपी कंट्रोलर का वीव है रिसीव बाय क्लिक। तो पहले अननोन जंक्शन पोटेंशियल पे आपने कैसे लगा आप इक्वेशन नंबर वन है, क्योंकि हमने आपको बताया था जितने अननोन नंबर पोटेंशियल होंगे, जितने नंबर आप अननोन पोटेंशियल जंक्शन होंगे उतने ही नंबर आप इक्वेशन पर आएंगे। फिर दो हैं तो पहला इक्वेशन बी फिर दूसरा क्या मिलेगा सी पी, तब सी पे हम कैसे लगाएंगे तो लिखेंगे अप्लाई कैसे लेट जंक्शन सी। क्या करेंगे सी पे कैसे लगाएंगे तो लिखेंगे अप्लाई कैसे लेट जंक्शन सी। तो सी पे फिर वही समेशन ऑफ आई इनकमिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आउटगोइंग। तो आई इनकमिंग क्या है आई आउटगोइंग क्या है, इनकमिंग में आई थ्री को दिखाएंगे आउटगोइंग में आई फोर और आई फाइव को दिखाएंगे। इनकमिंग किसको दिखाएंगे आई थ्री को, आउटगोइंग में किसको दिखाएंगे आई फोर और आई फाइव से। आई थ्री का नोडल फॉर्म देखें क्या लिखेंगे, आई थ्री का फुल फिगर से बी टू सी, तो बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल पी वी है सी पॉइंट के पोटेंशियल से हायर कहलाएगा, तो लिखेंगे वी बी माइनस बी सी डिवाइड बाई उस पाथ का डिस्टेंस कितना है आर थ्री डिवाइड बाई आर थ्री। फिर इसी तरीके से आई फोर का नोडल फॉर्म क्या होगा पहले उसको देख लेते हैं फिर इक्वेशन की बात करते हैं। आई फोर का नोडल फॉर्म ये कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है सी टू एफ, सी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है बी सी मान रखा है और एफ पे पोटेंशियल जीरो है, करंट का फ्लो सी से एफ की तरफ है तो सी वाला पोटेंशियल हायर बी सी वाला हायर कहलाएगा जीरो से, तो क्या जाएगा इसके लिए आई फोर का एक्सप्रेशन आई फोर इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी माइनस जीरो बाई डिवाइडेड बाई इस बात का रिश्ते मतलब डिवाइडेड बाई आर फोर। नेक्स्ट इसी तरीके से आई फाइव की बात करेंगे तो आई फाइव का जो फ्लो है वो कहाँ है तो सी से डी तक नहीं, हमने कहा जिस पॉइंट पर पोटेंशियल पता हो या अजूम कर रखा वहाँ तक देखेंगे, यानी कि सी से ई तक, क्योंकि ई पे पोटेंशियल आपको पता है जीरो, तो सी से ई तक देखेंगे। तो जब सी से ई तक देखेंगे तो क्या आ जाएगा एक सी पॉइंट का पोटेंशियल बी सी है और ई पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है, तो सी पॉइंट वाला पोटेंशियल क्या कहलाएगा हाइयर कहलाएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि दो पॉइंट के बीच में रजिस्टर के साथ साथ वोल्टेज सोर्स भी है, तो वोल्टेज सोर्स के लिए क्या बताया था सेकेंड प्लेट का साइन लेंगे किस साइड में जिस साइड में पोटेंशियल लिखेंगे उस साइड में, तो हमारा क्या जाएगा बी सी माइनस जीरो माइनस बी टू डिवाइड बाई पाथ का रजिस्टर मतलब आर फाइव। इस तरीके से जो केसीएल सी पॉइंट को लगाने के बाद जो इक्वेशन बनेगा तो आई थ्री के यहाँ लिखेंगे हम बी बी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई आर थ्री इज इक्वल टू आई फोर के यहाँ लिखेंगे बी सी माइनस जीरो बाई आर फोर और प्लस आई फाइव के यहाँ लिखेंगे बी सी माइनस जीरो माइनस बी टू बाई आई फाइव आर फाइव। इस तरीके से तैयार हुए इक्वेशन को एंटर देंगे इस तरीके से तैयार हुए इक्वेशन को इक्वेशन नंबर टू करेंगे। तो इस तरीके से दो अननोन पोटेंशियल जंक्शन से तो आपने दो नॉन दो इक्वेशन तैयार कर लिए। अब क्या करना है इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके के जो इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या करके सॉल्व कर करके क्या करना है आपको जो जो दो पोटेंशियल आपने एज्यूम कर रखे थे वी बी और वी सी उनकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करना है आपने इन्हीं दो पोटेंशियल को जिसको आपने एज्यूम कर रखा है वी बी और वी सी को इसको कैलकुलेट कर कर करके सॉल्व कर करके इसकी वैल्यू निकाल लेना है वी बी और वी सी की। ठीक अब जब वी बी और वी सी की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी तो आगे हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए करंट इन आर थ्री पूछ रहा है तो करंट इन आर थ्री क्या जाएगा आर थ्री कहाँ पे है आर थ्री बी और सी पॉइंट के बीच में है, बी और सी पॉइंट के बीच में करंट कौन सा मान रखा है अपने आई थ्री, तो इज इक्वल टू लिखेंगे आई थ्री। तो उन दोनों आई थ्री का नोडल फॉर्म क्या क्या एक्सप्रेस किया है अपने ऊपर आई थ्री का नोडल फॉर्म आपने ऊपर एक्सप्रेस किया है क्या वी वी माइनस वी सी का ही आर थ्री, तो जब वी वी और वी सी कैलकुलेट होकर के आ जाएगा
तो आपने क्या कर देना है, बी बी और बी सी की वैल्यू पुट कर देना है और डिवाइड बाई आर थ्री कर देना है, कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। उस बात क्या करें, मान लीजिए इसी तरीके से वोल्टेज अक्रॉस आर थ्री पूछ रहा है, तो आर थ्री किस किस पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, बी और सी पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, तो बी का भी पोटेंशियल आपको पता है, बी भी कैलकुलेट कर लिया है, सी का भी पोटेंशियल आपको पता है, बी सी भी कैलकुलेट कर लिया है, तो बस बी बी माइनस बी सी फ्लो कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि करंट का फ्लो बी टू सी है, तो बी बी माइनस बी सी कर करके वोल्टेज अक्रॉस आर थ्री निकाल लेंगे। इसी तरीके से पावर कंजप्शन इन आर थ्री पूछ रहा है, पावर कंजप्शन इन आर थ्री, तो वोल्टेज अक्रॉस आर थ्री आपने निकाल लिया है, करंट इन आर थ्री निकाल लिया, तो वी क्या किससे निकालेंगे हम लोग, वी इंटू आई से निकाल सकते हैं या आई स्क्वायर आर से, तो आई थ्री स्क्वायर इंटू आर थ्री, आई टू आई थ्री स्क्वायर इंटू आर थ्री कर लेंगे। इस तरीके से भी हमारा इस तरीके से करंट पूछता तो करंट कैलकुलेट कर लेंगे, वोल्टेज पूछता वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर साथ ही साथ पावर पूछता है तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आगे एक दो टाइप और हैं, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, पहले आप इसको एक बार फिर से खुद से समझ लें उस समय दे कर करके।
और दूसरे टाइप के सर्किट की बात करते हैं। मान लीजिए कि सर्किट वही है, सेम है, लेकिन इस सर्किट में क्या है, जो R1 रजिस्टर वो गायब हो गया है। समझ में आ रहा बात? R1 रजिस्टर जो है वो हट गया है। तो R1 रजिस्टर हटने के कारण फर्क सर्किट में चेंजेस देखिए, यहाँ केस 2 नीचे बना हुआ है साइड में सर्किट डायग्राम। अब हमारा हटने के कारण क्या हो गया, जो ये 10 वोल्ट का जो B1 था आपका, जो V1 वोल्टेज था आपका सर्किट का, वो बी पॉइंट वो बी से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। पहले ए से डायरेक्टली कनेक्ट है और ए बी पॉइंट के बीच में रजिस्टर ना होने के कारण वो बी से भी डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको ऐसा दिखे कि वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर के बीच में, सॉरी, वोल्टेज सोर्स और जंक्शन के बीच में, वोल्टेज सोर्स और जंक्शन के बीच में क्या हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, वोल्टेज सोर्स और जंक्शन के बीच में कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उस जंक्शन पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी उस वोल्टेज सोर्स के बराबर होगा। उस जंक्शन पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी उस वोल्टेज सोर्स के बराबर होगा। अगर वो जंक्शन अगर वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होगा। अगर वो जंक्शन अगर वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट है तो उस जंक्शन के पोटेंशियल की वैल्यू उसके नेगेटिव वैल्यू के बराबर होगा। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। समझ में आ रहा बात कि एक सर्किट है जो ABCD जो आपका सेम है, जिसमें ए और बी पॉइंट के बीच का जो रजिस्टर है उसको हटा करके एक सिंगल लाइन ड्रा कर दिया गया। तो हमने आपको बताया था अगर कभी भी दो पॉइंट के बीच में एक सिंगल लाइन ड्रा यानी कि वहाँ पे रजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, नेगलिजिबल, मतलब 0 के बराबर। तो ऐसे केस में उस पॉइंट का पोटेंशियल दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यानी कि ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट के बराबर, और ए पॉइंट से वोल्टेज सोर्स के बीच में भी कोई आपका एलिमेंट यानी कि वो वोल्टेज सोर्स के बराबर होगा, यानी कि वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू आपको बी पॉइंट के जंक्शन बी के पोटेंशियल पे मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो पॉइंट बी है वो नॉन पोटेंशियल जंक्शन हो जाएगा। जो पॉइंट बी है उस पे मिलने वाला जो पोटेंशियल होगा वो अननोन पोटेंशियल जंक्शन नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, नॉन पोटेंशियल जंक्शन कहलाएगा। जब नॉन पोटेंशियल का जंक्शन कहलाएगा तो केवल सी पॉइंट ही अननोन पोटेंशियल जंक्शन रह जाएगा। जब अननोन पोटेंशियल जंक्शन रह जाएगा तो हमको केवल केवल सी पॉइंट पे लगाना होगा, और जब केवल सी पॉइंट पे लगाएंगे तो इक्वेशन हमको एक ही तैयार करना होगा, क्योंकि अननोन पोटेंशियल जंक्शन है, इस केस में एक ही है, तो एक ही क्वेश्चन हमको मिलेगा। उस इक्वेशन से BC की वैल्यू आएगी, उसके बाद जो डाटा पूछा जाएगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात? केस 2 क्लियर हो गया। सर्किट सेम, हमने बताया कि अगर एक वोल्टेज सोर्स और एक जंक्शन के बीच में कोई भी आपका एलिमेंट नहीं है तो उस जंक्शन पर मिलने वाला पोटेंशियल वोल्टेज सोर्स के बराबर होता है। तो ये कब होता है, जब उस वोल्टेज सोर्स का दूसरा टर्मिनल 0 पोटेंशियल के साथ जुड़ा हो। जब उस वोल्टेज सोर्स का दूसरा टर्मिनल 0 पोटेंशियल के साथ कनेक्ट हो। चलिए केस 3 की बात कर ली जाए। तो केस 3 में बात क्या करें कि बैटरी बिटवीन अननोन जंक्शन टू अननोन जंक्शन पोटेंशियल, जो बैटरी है दो अननोन जंक्शन पोटेंशियल के बीच में है। समझ में आ रहा है? बैटरी बिटवीन टू अननोन जंक्शन पोटेंशियल। ठीक, यहाँ पे देखें दो वोल्टेज सोर्स ले रखा है V1 V2 और आपके 4 रजिस्टर है R1 R2 R4 R5 R3 को हटा कर करके इस फिगर में, पहले वाले फिगर में
इस पहले वाले फिगर में R3 को हटा करके वहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया गया K3 में। तो जब ऐसा हो गया तो उस केस में क्या करते हैं कि अगर दो अननोन पोटेंशियल जंक्शन के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आता है तो उन दोनों अननोन पोटेंशियल जंक्शन का जो रिजल्टेंट होता है उस वोल्टेज सोर्स के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? उन दोनों अननोन पोटेंशियल का जो रिजल्टेंट होता है उस वोल्टेज के बराबर होता है। जैसे एक कंसेप्ट हमने दे रखा था किसमें, मेस मेथड में, कि अगर दो मेस के बीच में एक करंट सोर्स आ जाता है, समझ में आ रहा है बात, तो दो मेस के बीच में अगर एक करंट सोर्स आ जाता है तो दोनों मेस में जो करंट आप अज्यूम कर रखते हैं तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उन दोनों अज्यूम करंट का जो रिजल्टेंट होता है उस करंट सोर्स के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? मेस मेथड में एक कंसेप्ट हमने दिया था आपको कि अगर दो मेस के बीच में करंट सोर्स आता है तो उन दोनों मेस में माने हुए करंट जो भी होगा उसका जो रिजल्टेंट आएगा उस करंट सोर्स के बराबर होगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान देना केस थ्री में कि अगर मिस नोड वोल्टेज थ्योरम या नोडल एनालिसिस के तहत किसी सर्किट डायग्राम में आपको दो अननोन पोटेंशियल जंक्शन के बीच में वोल्टेज सोर्स आता है तो उन दोनों अननोन जंक्शन पोटेंशियल का जो रिजल्टेंट होगा उस वोल्टेज सोर्स के बराबर होगा। पहला तो कंसेप्ट ये हो गया। अब दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिगर में ध्यान देंगे, फिगर में जो बीसी पॉइंट उस पाथ में केवल वोल्टेज सोर्स है, उस पाथ में क्या है, केवल वोल्टेज सोर्स है, उस पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसलिए उस पाथ में जो करंट आपने मान रखा है I3 उसको नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम ओम्स लॉ की हेल्प लेते हैं। ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V/R। तो V तो हमको पता है लेकिन उस पाथ का R नहीं पता। जब उस पाथ का R नहीं पता है तो उस पाथ के करंट को नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो जब एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो करेंगे क्या उस I3 को, तो उस I3 को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। रिप्लेस करने का सेंस कि एक बार हम बी पे KCL लगाएंगे और एक बार सी पे KCL लगाएंगे। तो देखिए बी पे KCL लगाएंगे तो हमको क्या मिल गया है, I1 = I2 + I3 इनकमिंग और गोइंग के हिसाब से, ठीक। और जब हम सी पे KCL लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब सी पे KCL लगाएंगे तो किस के बराबर हो जाएगा हमारा, I3 = I4 + I5। अब I3 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन वन में, तो इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, I1 = I2 + I4 + I5 हो जाएगा। इस तरीके से रिप्लेस करने के बाद करंट को नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। तो अब सारे डिस्कशन हो गए, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।